अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं आया हूँ मुस्तफ़ाबाद। तो ये बड़ी हरियाली वाली जगह, तो मैंने देखा कि यहाँ ज़रा इतनी हरियाली वाली जगहों में आके तो एक आई कैचिंग इन्वायरमेंट है यहाँ पे सुकून मिलता है आके यहाँ पे ना। तो मैंने कुछ दिनों से काफ़ी चीज़ें देख रहा था कि सोशल मीडिया में अपनी टीम के रिगार्डिंग, एज़ वी आर पाकिस्तानी, एशिया कप में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। लेकिन जो कुछ चीज़ें मैंने कहा, मैं खुद भी अपने एंड से जो मैंने एनालिसिस की हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी आवाम तक पहुंचाऊं ज़रूर, क्योंकि यही टीम है जिसने आपको फाइनल में पहुंचाया वर्ल्ड कप में, यही टीम है जिसने चैम्पियन ट्रॉफी जिताई आपको, यही टीम है जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ। तो इसको बैक करें, नो डाउट। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, पता नहीं क्या कुछ बातें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेरे एंड से मैं यही सोचता हूँ कि इन जो अपने लड़कों को आप बैक करेंगे तो यही आगे परफॉर्म करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो ये जो हार है, ये जो एशिया कप में जो हार है इनकी, ये इनको सबक सिखाएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम है कि जब तक इनको मारना पड़े, जब तक इनकी हार ना हो, तब तक इनको समझ नहीं आती। आपको याद है लास्ट टाइम जब जिम्बाब्वे से ये हारी थी वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद कैसे ये टीम बैक हो के अपने आप को लेकर आई थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टीम का एक पार्ट है, हार जीत का एक पार्ट है, हमारी टीम का एक पार्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें इनके साथ होनी भी चाहिए, और हमारे साथ होती हैं तो हम लोग फिर यहाँ पे इन चीज़ों को देख के इंजॉय भी करते हैं। क्योंकि जब ये निकलते हैं हार के और जीतते हैं, फिर ऐसा जीतते हैं कि फिर सारी पिछली हार भूल जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी टीम के एशिया कप में जो डिफीट है, ये बहुत अच्छी है और इसको पॉजिटिव लिया जाए अगर, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अपनी टीम को बैक करें और इनको सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा है, हम इनको बैक करेंगे तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो फिर ये पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि तनकीद ना करें, अपनी टीम को बैक करें और इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।